कानपुर पुलिस ने विकास दुबे के मामले में शुक्रवार को कहा है मारे गए गैंगस्टर विकास के दोनों बेटों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि विकास के दोनों बेटे अपनी मां ऋचा दुबे के साथ 29 जून को हुई अमर दुबे की शादी में शामिल होने के लिए बिकरू गांव आए थे। 3 जुलाई को हुए बिकरू हत्याकांड मामले में विकास दुबे मुख्य आरोपी था, जिसका 10 जुलाई को एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। जांच अधिकारी दधीबाल तिवारी का कहना है, हमें वायरल तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से पता चला है विकास की पत्नी ऋचा अपने दोनों बेटों के साथ 29 जून को अमर दुबे की शादी में शामिल होने के लिए बिकरू गांव गई। लखनऊ लौटने से पहले 1 जुलाई तक बिकरू गांव में रही। एसपी देहात ब्रिजेश श्रीवास्तव का कहना है, हमें ऐसे इनपुट मिले हैं विकास का एसएचओ चौबेपुर विनय तिवारी के साथ जब आमना सामना हुआ, जो 1 जुलाई को राहुल तिवारी पर जानलेवा हमले की जांच करने बिकरू गांव गया था, उस वक्त विकास के दोनों बेटे साथ में मौजूद थे। इसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस की एक टीम लखनऊ जाकर विकास के बेटों से पूछताछ करेगी। विनय तिवारी को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। बिकरू हत्याकांड के आरोपियों के साथ मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार भी विनय तिवारी को किया गया। राहुल तिवारी पर 1 जुलाई को हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस 3 जुलाई को विकास के घर दबिश करने गई, तभी विकास ने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों पर हमला किया। अभी फिलहाल विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे और उसके दोनों बेटे लखनऊ में हैं। इन्हीं दोनों के साथ पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीम जल्द ही लखनऊ पहुंचने वाली है। आपको बता दें, सोमवार को पति की अस्थियां लेने भैरव घाट ऋचा दुबे पहुंची। बड़ा बेटा साथ में नजर आया, वकील भी ऋचा दुबे के साथ थे। फिर LIC दफ्तर भी ऋचा दुबे को जाना था। विकास दुबे ने कुछ LIC परिवार के नाम से कराई थी, उनसे जुड़ी हुई जानकारी लेने। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।